ये देवांश जोशी था, 21 ईयर्स ओल्ड। उसका एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में हेड इंजरी हुई थी, जिसके कारण परसों वहाँ यहाँ बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। फिर डॉक्टर्स ने सब तरीके से टेस्ट किए तो ये पाया गया कि उसको ब्रेन स्टेम डेथ हो गया है। तो एक हम लोग 4 सदस्यीय ब्रेन स्टेम डेथ कमेटी बनाती हैं, उसने एक एपनिया टेस्ट करके 2 बार कंफर्म किया कि ये ब्रेन स्टेम डेथ है। उसके बाद उनके काउंसलिंग की गई तो वो लोग ऑर्गन डोनेशन के लिए तैयार हुए, तो वही प्रक्रिया हम लोग अभी कर रहे हैं। इनके हम लोग कोशिश तो कर रहे थे कि हार्ट और लंग्स वगैरह भी हम लोग यूज़ कर पाएँ। हार्ट उसका टेक्निकली फिट नहीं था, लंग्स भी नहीं थे, तो लीवर एक हम लोग चौथराम में भेज रहे हैं और एक किडनी है उसकी, वो यहाँ बॉम्बे हॉस्पिटल में अगर उपयुक्त तो पाई गई तो लगाई जाएगी। किस तरह से आप एक संदेश देना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो अंग दान जो नहीं करते हैं? मेरा तो ये कहना है कि अगर आपको जीवित रहना है मरने के बाद भी तो ऑर्गन डोनेशन सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि किसी बॉडी को या ऑर्गन को जलाने से अच्छा है उसका अपन उपयोग अच्छे से करें। और ये बहुत अच्छा है कि मध्य प्रदेश में इंदौर में अपन लोग नंबर 1 हैं, और मैं सभी से ये अपेक्षा करता हूँ और मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर किसी भी परिवार में ऐसी कोई विषम परिस्थितियाँ होती हैं तो एक अच्छा डिसीज़न लें जिससे कि लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो। जी 21 वर्षीय इस तरह से आप देखते हैं कि युवा माता पिता ने जो इस तरह से दिन पर बच्चा हाँ मतलब इनकी पिता से भी हमारी चर्चा हुई, वो एक शिक्षक हैं और माँ एक पटवारी हैं, और मैं उन लोगों का नमन करता हूँ कि इस समय इस कठिन समय में उन्होंने ये निर्णय लिया। और हमारे माननीय कमिश्नर साहब और माननीय शंकर लालवानी साहब भी पिछले 2 दिन से सतत हम लोगों के संपर्क। ये एक देवांश जोशी था, 21 ईयर्स ओल्ड। उसका एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में हेड इंजरी हुई थी, जिसके कारण परसों वहाँ यहाँ बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। फिर डॉक्टर्स ने सब तरीके से टेस्ट किए तो ये पाया गया कि उसको ब्रेन स्टेम डेथ हो गया है। तो एक हम लोग 4 सदस्यीय ब्रेन स्टेम डेथ कमेटी बनाती हैं, उसने एक एपनिया टेस्ट करके 2 बार कंफर्म किया कि ये ब्रेन स्टेम डेथ है। उसके बाद उनके काउंसलिंग की गई तो वो लोग ऑर्गन डोनेशन के लिए तैयार हुए, तो वही प्रक्रिया हम लोग अभी कर रहे हैं। इनके हम लोग कोशिश तो कर रहे थे कि हार्ट और लंग्स वगैरह भी हम लोग यूज़ कर पाएँ। हार्ट उसका टेक्निकली फिट नहीं था, लंग्स भी नहीं थे, तो लीवर एक हम लोग चौथराम में भेज रहे हैं, और एक किडनी है उसकी, वो यहाँ बॉम्बे हॉस्पिटल में अगर उपयुक्त तो पाई गई तो लगाई जाएगी। मेरा तो ये कहना है कि अगर आपको जीवित रहना है मरने के बाद भी तो ऑर्गन डोनेशन सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि किसी बॉडी को या ऑर्गन को जलाने से अच्छा है उसका अपन उपयोग अच्छे से करें। और ये बहुत अच्छा है कि मध्य प्रदेश में इंदौर में अपन लोग नंबर 1 हैं, और मैं सभी से ये अपेक्षा करता हूँ और मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर किसी भी परिवार में ऐसी कोई विषम परिस्थितियाँ होती हैं तो एक अच्छा डिसीज़न लें जिससे कि लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो। जी 21 वर्षीय हाँ मतलब इनकी पिता से भी हमारी चर्चा हुई, वो एक शिक्षक हैं और माँ एक पटवारी हैं, और मैं उन लोगों का नमन करता हूँ कि इस हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।